रिदम चन्ना सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हैं। वजह है उनके कपड़े, और उन कपड़ों को पहनकर वो करती हैं मेट्रो में ट्रैवल। रिदम की उम्र 19 साल है, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब शहर की रहने वाली हैं। वो एक पारंपरिक परिवार से आती हैं, लेकिन अपने खुले विचारों की वजह से परिवार से उनकी ज्यादा नहीं बनती। उनके इंस्टाग्राम पेज पर बोल्ड तस्वीरों की भरमार है। जब से रिदम वायरल हुई है, उनके तेजी से इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ रही हैं। साथ ही लोगों के मन में एक सवाल भी तैर रहा है कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, और अगर किया तो डीएमआरसी की तरफ से उसे रोका क्यों नहीं गया। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। रिदम से बात करने के लिए हमने उसे कांटेक्ट किया, हालांकि कॉल तो रिदम ने नहीं उठाया, लेकिन जहां वो एक्टिंग क्लासेस लेती हैं वहां से कॉल उठाया गया। जिस व्यक्ति ने कॉल उठाया उसका नाम सत्येंद्र है। जब उससे हमने रिदम के बारे में सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिदम अभी मीडिया से दूर हैं, वह किसी मीडिया चैनल को ऑफिशियल इंटरव्यू नहीं दे रही हैं, क्योंकि जब से उसकी वीडियो वायरल हुई है तब से ही हमें बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, उन कॉल को डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रिदम एक हीरोइन बनना चाहती हैं, वो जल्द ही फिल्मों में काम करेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर कई सारे रिदम के इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, जिसमें रिदम अपनी बोल्डनेस पर बात करती हुई नजर आ रही हैं। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में रिदम कहती हैं कि मुझे डर नहीं लगता है कि मेरे साथ महिला सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। साथ ही वो कहती हैं कि उनके साथ छेड़खानी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हालांकि लोगों से उन्हें कई बार इस बारे में धमकी मिली है, लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अपने कपड़े किसी से प्रेरित होकर नहीं पहनती हूँ, मुझे धीरे धीरे आज़ादी का एहसास हुआ और ये उसी का एक प्रोसेस है। रिदम आगे कहती हैं कि कई महीनों से इसी तरीके के कपड़े पहन के वे मेट्रो में ट्रैवल कर रही हैं, और ऐसा वो फेमस होने के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हैं। रिदम आगे बताती हैं कि उन्हें पिंक लाइन पर रोक लिया जाता है, लेकिन ब्लू लाइन पर एंट्री मिल जाती है। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे मामले पर डीएमआरसी का क्या कहना है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि मेट्रो के संचालन और रखरखाव अधिनियम की धारा 59 के तहत अभद्रता एक दंडनीय अपराध है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से दिए गए बयान के मुताबिक इस तरह यात्रा करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। मेट्रो में निगरानी बढ़ा दी गई है, अगर कोई भी इस तरह यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उसे पहले उसकी काउंसलिंग की जाएगी और दोबारा ऐसा करने पर कार्रवाई की जा सकती है। डीएमआरसी के एक अधिकारी ने कहा है कि मेट्रो यात्रियों से उन सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद करती है जो समाज में स्वीकृत हैं। डीएमआरसी के एक अधिकारी ने ये भी कहा कि मेट्रो में यात्रा करते समय हमें ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचे। अधिकारी ने कहा कि नियमों का पालन न करने वालों पर यात्रियों से मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।